नानी ने अभी भी वही मैक्सी पहनी हुई, क्यों रानी? वही तो मम्मी कह रही कपड़ा पहने कर यही मैक्सी की पहनती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं प्रियांशी नेगी स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक और बार फिर से। और गाइज, आज मुझे जाना पड़ रहा है, जाने का मन तो नहीं हो रहा पर जाना पड़ रहा है, इस सोना के साथ देहरादून जाना पड़ रहा है। तो जी हाँ, रक्षाबंधन के दूसरे दिन है ये, मतलब 1 सितंबर, और मैं जा रही हूँ देहरादून, वो भी बस से, क्योंकि मम्मी तो आएगी शायद कल परसों आएगी मम्मी। 1 सितंबर क्या है तुझे, हटना और पापा मम्मी सितंबर 1 सितंबर बोले तो क्या है? तो गाइस, क्योंकि उस दिन बोले तो सितंबर बोल, सितंबर सितंबर की हाँ जो भी है सितंबर। क्योंकि उस दिन हम पापा के गाड़ी से आए थे और मैं अपनी गाड़ी मतलब अपनी स्कूटी लाना भूल गई, मतलब भूल गई कि छोड़ दे वहीं। तो अभी हम जाएंगे बस से, इतने दिनों बाद, महीनों बाद, पहले यहाँ से नटराज तक विक्रम से जाएंगे, फिर उसके बाद बस से जाएंगे और मम्मी को बाय बोलने का टाइम होगा। मम्मी इधर मिलेंगे, बाय मिस करेंगे मुझे, याद है गोल बिठोने मांगा सुनना, बाय बाय। अब जा रही हूँ गाइस, धूप में काली होने जा रही हूँ। मास्क लगा रहे, मास्क मैं तो चल गई, कितनी चढ़ के हमारा गाइज, मैंने मेकअप नहीं किया क्योंकि बिकॉज बस में जाना है, स्टाइल मारने नहीं जाना, बस में थोड़ा ऑड हो जाएगा ना कि इतना मेकअप तो क्या, इसलिए बस में जाने के लिए ऐसे बनते गाइज पजामे में, हमसे सीख लो थोड़ा। तो जा रहे हैं, मैंने सीरो को भाई भी नहीं बोला, साला कमीना बाहर भी नहीं आया छोड़ने के लिए, वो अपनी मम्मी। तो चलो फटाफट जाते हैं, मास्क पहन लेते, उससे अच्छा थोड़े में। तो गाइस, टेम्पो मिल गया आज, जल्दी मिल गया, अच्छी किस्मत थी कि टेम्पो मिल गया। तो फिर अभी फटाफट चलते हैं बस स्टेशन, फिर बस से जाएंगे। गाइस, हम ना बस अड्डे नहीं गए और यहीं पे नटराज पे बस का इंतज़ार कर रहे हैं, पर मुझे लगता है बस अड्डे ही जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो बस किस्मत मेरी इतनी ख़राब है, बस नहीं आ रही है, मतलब आ भी रही है तो फुल भर रखे हैं, हम क्या खड़े खड़े होके जाएंगे? चलो देखते हैं आती कि नहीं आती, वरना वहीं जाना पड़ेगा। गाइस, हमको बस अड्डे जाना ही पड़ा क्योंकि वहाँ से तो गाड़ी मिलने से रही, और मेरी हालत देखो इतनी गंदी, छी गुस्सा आ रहा है मुझे, इसकी वजह से जाना पड़ रहा है मुझे, सिर्फ इसकी वजह से। मेरे को हाथ पता नहीं किसने काली मार के आना ही था, तो करना आराम से आती पाऊंगे शाम को। टेम्पो वाले ने भी इधर ही छोड़ा और यहाँ से पैदल जाना पड़ रहा है बस अड्डे। हाँ ले ले पानी की बोतल, चिंट लेना। हाँ गाइस, पहुँच गए बस अड्डे, उत्तराखंड परिवहन, और यहाँ खाली दिख रहे परिवहन निगम नहीं है ना, देहरादून की कोई भी बस नहीं है अभी। ठीक हुआ लेट हुए, 10 बजे आई थी, इतने दूर आके भी बस नहीं मिली, मेरे को गुस्सा आ रहा था देख के। चल छाया में चल, अब छाया में चल, आएगी देहरादून जाने के लिए भीड़ तो देखो। हम तो बस खड़े थे, हमें भीड़ देहरादून की, मुझे लगा देहरादून जाने के लिए कोई नहीं होगा, हम दोनों के अलावा सबसे ज्यादा देहरादून की भीड़ रहती है, खतरनाक तो लड़ाई है, लड़ाई गाइस बस इतने देर में आए थी, मैं तो ऐसे लोगों से सुनना की लड़ाई हो गई सबके साथ, पता गाइस मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, ऐसे भगदड़ मची, ऐसे भगदड़ लोग तो मार, ऐसा लग रहा था लोग लग रहा था, ऐसा लग रहा था ना कि कितने दिनों से भूखे प्यासे होंगे, ऐसे मर रहे जैसे खाना दिख गया झपट गया उसमें, ये भाई बस ही थी, बस की जान निकाल दी लोगों ने, ऐसे देखो सुनना इतनी जल्दी आई थी, फिर इस लास्ट की सीट में वो भी एक इतने मुश्किल से मिली, वो भी हम सब लड़ाई होने जा रही है गाइस। ये भी एक वो है जंग है, ये जंग है, यहाँ देखो गाइस एक सीट की भी वो क्या व्हाट इज दिस।
आपको देहरादून के पास में सीट मिल गई ना, इसका मतलब आप जीत गए ट्रॉफी ऑफ द ईयर है ना। वो मैंने देखा तो एक दूसरी बस पे आ गया और दूसरी बस पे फुल ये चली भी नहीं, दूसरी आ गई और वो भी फुल। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो गाइस, बस में बैठे हुए 20 मिनट हो गए पर बस जाने का नाम नहीं ले रही है। और आप देखो मेरी हालत क्या हो गई, ये पसीना है और अभी तो मैंने आपको अपना मुंह खोल के नहीं दिखाया, ये तो मेरा पसीना है। सोचो इतनी गर्मी हो रही, इतनी फ्रस्ट्रेशन, आप मेरे को ये देख के पता लगा सकते हैं। देख थोड़ी भीड़ भी कम हो गई क्योंकि दूसरी बस में चले गए आधे लोग, दूसरी बस भर के चली गई पर ये बस जाने का नाम नहीं ले रही। किस्मत देखो, अब बच्चे वहाँ पिंक आ जाएंगे वहाँ तो किस्मत में जीरो हो जाएगा, जीरो। ये गाइस ये चौथी बस है कि जो आ गई और फिर फुल होकर जा रही है पर ये बस हिलने का नाम नहीं ले रही। यहाँ से सब लोग छोड़ के भी चले गए, फिर भी मैं होप कर रही हूँ हम भी चले गए। गाइस वो भी फुल हो गई और अब कैसे निकलूँ, इतनी छोटी में क्या करूँ क्या करूँ। वो बस भी फुल होकर चली गई और ये अभी तक नहीं गई, आधा घंटे से ज़्यादा हो गया गाइस। बताओ आप क्या सारा। मैं अब से दिन में नहीं आऊँगी सुनो, मैं शाम को आ लूँगी, कोई बात नहीं। अब देखते हैं कब तक तो पहुँचेंगे, गाइस। जहाँ एक डेढ़ घंटे में देहरादून पहुँचाया जाता है वहाँ हम 4 घंटे में देहरादून आ रहे हैं। 4 घंटे भाई मायने रखते हैं 4 घंटे, और लेट भी हो गई सोने की क्लासेस के लिए जिस वजह से हम देहरादून आ रहे थे। ये मेरे गले में इतना दर्द हो रहा है, पैदल भी 20 मिनट का रास्ता, वही तो ऊपर से पैदल भी इतना ज़्यादा, वो भी धूप में। आज तो पिंकी क्यों आई होंगी, मैं हमने 1.5 घंटे में पहुंच जाना था पर हम पहुंचे पूरे 4 घंटे में, और घर जाते जाते 4:30, और सोने की क्लासेस के लिए लेट हो गया जिस वजह से हम देहरादून आ रहे थे, वही काम। गाइस देख रहे हो तुम कितनी दुख भरी जिंदगी, किसी दिन बारिश रहते हैं यहाँ और किसी दिन देख धूप ने क्या मचा रखी। चलो कोई नहीं, अब चलते हैं, घर आने वाला है। गाइस फाइनली पहुँचे घर और अभी तो इसको छोड़ने जाना है वहाँ, बहुत लेट हो गया। इसकी क्लास 2 बजे से और हम 11 बजे से घर से निकल रहे हैं, आप देखो 2 बज गई। बैठने भी नहीं देगी, थोड़ा थौक खा लूँ मैं। तो चलो गाइस मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर बाद, मुलाकात होती है। तो गाइस मैं क्लास से आ गई थी इतनी दूर पैदल चल के और घर आके क्या देखती है सो रही की, और हमने सुबह से कुछ नहीं खा रहा था। और मैं घर आके सबसे पहले खाना बनाती हूँ हमेशा की तरह, और ये मैडम खाएगी हमेशा की तरह। बताओ बड़ी बहन ऐसी क्यों, छोटी बहन ऐसी क्यों होती है, आज तो मुझे जानना है भाई। हाँ बड़ी छोटी बहन तो बनाना भाई, खाना बना बना के मेरे पूरा तेल निकल गया है शरीर का, तो मैं तेल लगा दूंगी। तो गाइस उसके बाद ना मुझे होस्ते ना इसको होस्ती, और भूल गए कि ब्लॉग नाम का कोई चीज़ चल भी रहा था हमारा। तो गाइस यार आई एम रियली वेरी सॉरी यार, उसके बाद नहीं दिखाया, वैसे भी शाम हो गई थी ना, हम सो गए थे, तो प्लीज़ आप अंडरस्टैंड करो। और प्लीज़ अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे, हमारा स्ट्रगल भरी जिंदगी पसंद है, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। बाय, गुड नाइट। तू भी बोल दे गुड नाइट, जान में चिंता कर रही है, भाव खा रही है, कमी नहीं।